जय हिंद। बंदे मातरम प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग एसएसटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों को पूरी अच्छी से जानकारी दी जाएगी, यानी कम्प्लीट हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। यानी भारत का शोध संस्थान जो है अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भिलाई का इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो रिहंद परियोजना से दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना से यह जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है। तापक्रम विलोमता का जो अर्थ होता है वह होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मानचित्र जो है दोस्तों भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक सहायक सामग्री है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग में स्थित है। किसमें स्थित है? द हेग में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कार्यालय है, मुख्यालय है वह स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों सन 1952 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? सन 1952 में जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केशवानंद भारतीय के मामले में दोस्तों जो है भारत के उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक, राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गोभी मरुस्थल है वह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा औषधि शैल का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शैल जो है औषधि शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो भ्रंश से संबंधित क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रोबेन जो है भ्रंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जो पुच्छल तारा होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो सूर्य से दूर की ओर होती है। किस तरह होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है पुच्छल तारे की दिशा। अगला प्रश्न है, सिपकीला
प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देख लें कि भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रिक बीज की संतति है, केंद्रिक बीज की संतति है, तो क्या है दोस्तों? तो प्रजनन प्रजनक बीज है। क्या है? प्रजनक बीज है। अगले प्रश्न के ऊपर तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम राष्ट्रीय खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो शेफर विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रोगी के पानी में डूबने पर, रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।